हमारे जो पैंट्स के फैब्रिक्स रहते हैं वो बहुत ही अलग अलग मटेरियल से बनते हैं जैसे विस्कोस रे ऑन पोलिस्टर कॉटन एंड वुल वे टेक्निकली ये समझने के लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि विस्कोस जो एक टाइप का रेयन है एंड एक्चुअल में रे मतलब विस्कोस एंड रे के बीच क्या फ़र्क रहता है एंड उसके बाद मैं आपको ये वीडियो में शेयर करूँगा वो दोनों ब्लेंड्स के बारे में एक है टेरी रे एंड पॉली विस्कोस एंड इसके बाद फ्रेंड्स हम फाइनली ये समझेंगे कि कॉटन एंड लाइक्रा का रोल ये ब्लेंड्स में क्या रहता है नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स मैं हार्दिक गड़िया आपका फैब्रिक हेल्पर अगर एज अ कस्टमर आपको फैब्रिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या एज अ न्यू रिटेलर आपको फैब्रिक या शॉप से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है देन आप डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर सकते हो मैं हार्दिक गड़िया एक फैब्रिक का होलसेलर एंड रिटेलर दोनों इस बिज़नेस में 1999 से हूँ आज यहां हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे डिस्कशन करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है विस्कोस एंड रियोन के बीच के डिफरेंसेस उसके ब्लेंड्स के इंपॉर्टेंस उसकी परफॉर्मेंस एंड फैब्रिक सिलेक्शन के तरीके एंड ऑफ कोर्स उससे भी बहुत ज्यादा ओके फ्रेंड्स पहले ये समझते हैं कि विस्कोस एंड रेयन में क्या फ़र्क होता है विस्कोस एक नेचुरल फ़ाइबर है जो पेड़ जैसे पाइन बाम्बू या फिर यूकिलेप्ट के पल्प से बनाया जाता है इसे बनाने में बहुत सारे साइंटिफिक तरीके यूज होते हैं जिससे इसे एक शाइन एंड सॉफ्टनेस मिलती है विस्कोस को बहुत बार विस्कोस रेयन कहा जाता है एंड अगर रेयन की बात करें तो रेन सेलुलस एक नेचुरल फाइबर से बनता है जो पेड़ों के पल्प से निकलता है रेयॉन के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं जैसे मोडाल एंड लायोसेल विस्कोस भी एक रेयन का टाइप है अगर शॉर्ट में समझाओ दैन सारे विस्कोस रेयन है पर सारे रेयन विस्कोस नहीं होते एंड पैंट्स की फॉर्मल फैब्रिक्स की बात करें तो जहाँ पे जो फैब्रिक में विस्कोस यूज हुआ होता है उसके साथ ज़रा सा पोलियस्टर का ब्लेंड उसमें आता ही है पोलिस्टर एंड विस्कोस के अलग अलग प्रोपोर्शन से आपके फैब्रिक्स बनाए जाते हैं एंड वही अगर हम रेयन की बात करें प्योर रेयन की तो उसमें ज़रूरी नहीं कि हर टाइम पोलिस्टर यूज़ हुआ हो इसलिए मार्केट में दो ब्लेंड्स बहुत पॉपुलर होते हैं एक पोलीस्टर के साथ विस्कोस एंड दूसरा टेरी रेयन जिसमें बहुत सारा रेयन यूज़ होता है पर पोलिस्टर इतना ज़्यादा यूज़ ना होता हो एंड अगर हम हमारे पैंट्स में टेरी रेयन ब्लेंड्स की बात करें टेक्निकली पोलिस्टर का यूज़ ये ब्लेंड में नहीं होना चाहिए बट टू अ सर्टन लिमिट ज़रा सा पोलिस्टर बहुत बार कंपनी ऐड करती है टू जस्ट गिव लिटिल ड्यूरेबिलिटी उसे एक ज़रा सी ड्यूरेबिलिटी के लिए थोड़ा सा पोलिस्टर ऐड बहुत बार होता है वैल well, अगर हम पोलीस्टर विस्कोस ब्लेंड की बात करते हैं तो इसमें विस्कोस एंड पोलीस्टर के फाइबर्स को मिक्स किया जाता है ये ब्लेंड में दोनों फाइबर्स के एडवांटेजेस हमें मिल जाते हैं पोलियस्टर की ड्यूरेबिलिटी एंड विस्कोस की सॉफ्टनेस यही रीजन से फॉर्मल पैंट्स में पोलीस्टर विस्कोस एक बहुत ही डिमांडिंग फैब्रिक है अगर दोनों ब्लेंड्स के अपेरेंसेस एंड परफॉर्मेंसेस की बात करें पॉलीविस्कोस ब्लेंड एक टेक्सचर्ड लुक देती है बहुत लोगों के बीच अगर आप पॉलीविस्कॉस पैंट पहन के जाओगे देन वो जरा सा अट्रैक्टिव रखता है उसके टेक्सचर्स के वजह से उसमें भी दो ऑप्शंस मिलता है आइदर मैट फिनिश या फिर ग्लॉसी एंड अगर हम टेरी रेन की बात करें ऑफ कोर्स उसमें भी दो ऑप्शंस रहते हैं मैट फिनिश एंड ग्लॉसी के बट फ्रेंड्स उसकी शाइन बहुत अच्छी रहती है उसमें टेक्स्चर्स सरा भी नहीं रहते एंड वो बहुत सॉफ्ट रहता है एंड जैसा कि मैंने कहा उसे जरा सी आयनिंग की हर टाइम नीड होती है जो पॉलीबिस्कॉस में एक पॉइंट तक हम ना करें तो चल जाता है ये ब्लेंड्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो टेरी रेयन बहुत ही सॉफ्ट रहता है एंड बहुत ही ब्रीदेबल रहता है उसका सिर्फ एक ही बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स के रफ यूज़ करने पे उस पर बहुत रिंकल्स आ जाते हैं जैसे कॉटन शर्ट्स में क्योंकि एट दी एंड रेयन एक सेमी नेचुरल फैब्रिक है रेयन एक सेमी सिंथेटिक फैब्रिक है जो आधा नेचर से बना है एंड आधा केमिकली

रेजिस्टेंट कम रहता है सो so, अगर रफ यूज करना है तो उसमें नेचुरली थोड़े रिंकल्स सामने वाले को दिख जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्यों कॉटन इस फैब्रिक्स में यूज नहीं होता विस्कोस रेयन पोलिस्टर और कॉटन ये सभी फाइबर्स अलग अलग एडवांटेजेस के साथ आते हैं कॉटन की एब्जॉर्बेंसी एंड ब्रीदेबिलिटी अच्छी होती है लेकिन वो रिंकल रेजिस्टेंट जरा भी नहीं रहता जो आपके फॉर्मल पैंट का लुक बहुत बिगाड़ देता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि लाइक्रा का यूज कैसे होता है ये दोनों में लाइक्रा जो या पेंडिक्स के नाम से जाना जाता है एक स्ट्रेचेबल फाइबर है जो फैब्रिक को फ्लैक्सीबिलिटी देता है इसका यूज़ दोनों प्रकार के ब्लेंड्स में होता है एक आराम एंड स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सो फ्रेंड्स इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि विस्कोस एंड रेयन दोनों एक जैसे लग सकते हैं लेकिन ब्लेंड्स में फ़र्क होता है क्योंकि उसमें अलग अलग फाइबर्स की मिक्सचर्स होते हैं उसके एडवांटेजेस अलग अलग हो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे से होलसेल या रिटेल फैब्रिक्स ऑर्डर करने हो देन आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आयो थैंक यू